हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया है दोस्तों। और हम बात करेंगे किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 जो है वो आपका जुलाई से लागू है। और वन रैंक वन पेंशन 3 जो है, चाहे कभी भी मिले आपको, वो आपको एरियर के साथ ही मिलेगा, क्योंकि अब इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ORP 3 जो है वो 1 जुलाई 2024 से लागू है। और दोस्तों, अब हम ये भी बात करेंगे कि ORP 3 में जो है कितना बेनिफिट मिलने वाला है, सिपाही रैंक पर, नायक रैंक पर, हवलदार रैंक पर मिनिमम और मैक्सिमम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, जो कि जो लोग भी ORP 3 जिनको जिनका लाभ मिलने वाला है वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ORP के लिए जो है अलग अलग सर्कुलर निकाले गए थे, जिसमें दोस्तों आपका 501 था, 555 था, सर्कुलर 666 भी जारी हुआ था, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक है। और अब दोस्तों 2024 से लेकर आगे जो है 5 साल की बढ़ोतरी होती है, 5 साल का पीरियड होता है, तो इस 5 साल के लिए भी दोस्तों एक नया सर्कुलर जारी होगा। और ये पूरा का पूरा जो है एक प्रोसेस है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने पहले भी बात किया था कि जो नई सरकार के पहले 100 दिन के अंदर जो है ये सारे के सारे काम होने हैं। बात करते दोस्तों स्टेप बाय स्टेप की अलग अलग रैंक पर अभी आपको क्या उम्मीद है, क्या मिल सकता है वन रैंक वन पेंशन 3 में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वन रैंक वन पेंशन 3, तो इसमें अगर सिपाही की बात करें तो दोस्तों जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपका ORP 2 और ORP 3 के बीच में जो डिफरेंस आएगा, वो आपको लगभग जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 1400 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि सिपाही रैंक से स्टार्ट करें तो मैक्सिमम बेनिफिट अगर हम देखें तो उसमें 1400 रुपये है। इसी तरह से अगर हम नायक के रैंक की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 1550 रुपये का डिफरेंस है। और हम ये इसलिए बात करें क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभी आप देखेंगे टेबल जारी हो रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे कि ORP 1, ORP 2 और उनके बीच में क्या डिफरेंस था, तो अगर आप दोस्तों देखें ORP 1 में जो है 17130 था, ORP 2 में 18807 है। तो उसी तरीके से जो डिफरेंस आया था दोस्तों, वो आया था आपका, आप देख सकते हैं 17130 और 18807 में कितना डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम ORP 3 की बात करें और जो आपको इसका बेनिफिट मिलना है, सिपाही रैंक में 950 से लेकर आपका 1500 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से नायक रैंक में आपको जो है सीधे सीधे दोस्तों जो है 1500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है मैक्सिमम, जो कहते हैं। हवलदार में भी आपको दोस्तों 1600 रुपये तक का जो है डिफरेंस मिलेगा, जो कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरीके से हम बात करें अगर नायब सूबेदार की, तो नायब सूबेदार में भी जो है आपको जो है 1300। तो दोस्तों मोर और लेस अगर हम बात करें तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको जो है 1750 तक का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि आपका ORP 3 में इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो कैलकुलेशन की गई है उसके बेस पे है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं पे जो है नायब सूबेदार रैंक पे जो है 1100 आ रहा है। फिर अगर हम बात करें और, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आपका जो है रैंक बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको जो है आपको बेनिफिट भी उतना ज़्यादा मिल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि 1400 सिपाही पे है, अगर हम बात करें नायक पे तो 1500 है, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं नायब सूबेदार पे तो उनको सिर्फ 1100 रुपये का मिल रहा है, और उसके आगे भी जाते हैं तो उसमें जो है उनको 1400 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये सारा का सारा दोस्तों डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन हो रही है, और सारा कुछ कैलकुलेशन डिपेंडेंट है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे, जहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था, और जिसमें कि पेंशनर्स की सैलरी, पेंशनर्स की पेंशन जो है वो 5% बढ़ोतरी करने की बात की थी, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव हो गया है और इसका अब इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों ये अभी भी जो है मीडिया रिपोर्ट की तरफ से आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर में जो है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये अभी तक मामला फंसा हुआ था, अब वहाँ से जो है इसको जो है
ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और आप आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। बट अभी भी दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि सरकार की तरफ से इसका प्रॉपर जो है अपडेट नहीं आता। दोस्तों ये थे आज के दो इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, वन रैंक वन पेंशन थ्री को लेकर, और पेंशनर्स के लिए जहाँ पे पेंशनर्स की पेंशन में जो है 5% की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।